आज हम बनाने जा रहे हैं मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट स्पॉन्जी कॉफी केक। ये केक कुछ ऐसा है कि आप इसे सच में अगर एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी जानने के लिए पूरे वीडियो को जरूर देखें, मुझे यकीन है रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कॉफी केक बनाना। कॉफ़ी केक बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है कॉफ़ी पाउडर। जी हाँ, कॉफ़ी केक बना रहे हैं तो कॉफ़ी सबसे पहले हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच। फिर उसमें मिला देंगे 1 ही बड़ा चम्मच गरम पानी। गरम पानी ही डालिएगा। गरम पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लें, फिर इसे एक साइड में रख लें। हमारा जो बेसिक कॉफ़ी का मिक्सचर है वो बन के तैयार है। अभी आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक दूसरा बर्तन ले लें, फिर उसमें डालें 1 कप दही। ध्यान रखें बेकिंग में ना मेजरमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें हम मिलाएंगे खाने वाला मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच। आधा चम्मच मतलब चम्मच के एक बराबर होना चाहिए, चम्मच से ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा कम भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। थोड़ी देर में इसमें से ना ऐसे छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो जाएगा। हमारा मिक्सचर अभी बनके तैयार है, इसे भी हम एक साइड में रख लेते हैं। और जो आगे की तैयारी है उसमें हमें 3/4 कप चीनी को अच्छी तरह से पीस के लेना है। मैंने 1/2 कप चीनी डाला, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप चीनी डाला। सारी चीनी को हम मिक्सी में पीस लेंगे। अगर आपके पास कैस्टर शुगर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी पीसी हुई चीनी है, इसे हम एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं। सारा चीनी मैं एक बर्तन में डाल देती हूँ। इसी के साथ ही हमें इसमें डालना है 1/2 कप तेल। पर तेल मैंने ये कौन सा लिया है? मैंने लिया है यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल, जो तेल का बिल्कुल भी फ्लेवर ना हो। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल, आप उसे ही यूज़ करें। आप इसमें ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, जिस तेल में फ्लेवर है वो यूज़ नहीं कर सकते। फिर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ऐसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करें। 3-4 मिनट का वक्त लगेगा आपको। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे हाथों से बीट करेंगे तो आपको 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। पर इसे हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी का बनाना है, तभी जाके केक जो है ना वो परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हो वीडियो में ये कितना थिक है। ऐसा ही थिक मिक्सचर हमें तैयार करना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी वनीला एसेंस। और जो दही और बेकिंग सोडा का हमने मिक्सचर तैयार करके अलग रखा था वो अभी इसमें मिला देंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। अच्छे से इसे मिलाते हुए ऐसे मिक्स कर लें। इसके बाद हम अपना ड्राई इंग्रेडिएंट की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप और 1/2 कप मैदा, जो कि प्लेन फ्लावर है। मेजरिंग कप का यूज़ करें। उसमें 1 कप और फिर 1/2 कप मैदा एक बर्तन में डाल दें। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पर लिया है 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके बाद सभी चीज़ों को अभी हमें इकट्ठा मिलाना है। तो सबसे पहले हमने जो वेट इंग्रेडिएंट लिया था वो बर्तन को एक जगह पे रख लेंगे। फिर जो कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें सबसे पहले मिला देंगे। कॉफ़ी का मिक्सचर डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लें ताकि कॉफ़ी बाकी मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ इस तरह से इसे मिलाते रहें। और फिर जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने लिया है ना, उससे एक छन्नी की हेल्प से हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसमें मिलाना है। ऐसे हल्के हल्के हाथों से छानते हुए हमें मिलाना है। इस तरह से इसे टैप करते जाएं तो अपने आप ही मैदा जो है ना नीचे गिरने लगेगा। बेकिंग करते समय हमेशा एक छन्नी का यूज़ करें। जब भी आप ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट को मिला हुए ना, तो एक छन्नी की हेल्प से ही मैदा को वेट इंग्रेडिएंट के साथ मिलाएं। इससे केक जो है ना फ्लफी बनेगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 अखरोट। इसे मैंने ऐसे हाथ से तोड़ दिया है, पर ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। पर कॉफ़ी केक के साथ वॉलनट का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मुंह में जब छोटे छोटे बाइट इसके आते हैं ना, खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है।
इसे अभी मिक्स करें, पर हमें इसे बहुत तेज तेज घुमाते हुए मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से बस इसे ऐसे फोल्ड करते रहना है। पर ऐसा भी नहीं कि हम मैदे का लम्प जो है ना वो अलग अलग रह जाए, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे से मिक्स करें, पर हल्के हाथों से ऐसे फोल्ड करते हुए इसे मिक्स करें। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे ना, केक अंदर से फ्लफी नहीं होगा, ऐसे बैठ जाएगा। इसके बाद एक बेकिंग मोल्ड ले लें और इसे अच्छी तरह से ग्रीस करें। फिर आप चाहे तो इसके ऊपर जो बेकिंग पेपर या फिर पैचमेंट पेपर आता है वो डाल सकते हैं। सारा मिक्सचर को मोल्ड में हम अभी डाल देंगे। मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट करके रखा है 180 डिग्री पे। 15 मिनट तक मैंने ओवन को प्री हीट किया है। अगर आप इसे कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो कढ़ाई को भी पहले से थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दें। उसके बाद आप एक स्टैंड लगा लें कढ़ाई के ऊपर, फिर केक को उसमें रख के ढक दें और गैस स्टोव की फ्लेम को लो पे करें। मैंने यहाँ पे ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया था। अभी मैं मोल्ड को ओवन के अंदर डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 180 डिग्री पे बेक मोड पे 35 मिनट पे सेट किया है। पर मुझे इस केक को बेक करने के लिए पूरा 45 मिनट लगा था। मैंने 35 मिनट के बाद एक बार चेक किया था, पर केक पूरी तरह से नहीं बना था, इसीलिए मैंने और 10 मिनट इसे बेक किया था। टोटल 45 मिनट्स बेक होने के बाद केक हमारा तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है और इसका जो स्मेल है वो जब आप बनाओगे ना तभी महसूस कर पाओगे। बहुत ही अच्छी खुशबू है। बहुत ही आसानी से मोल्ड में से केक निकल आया। आप इस केक की रेसिपी को एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करें।